ओके तो आज की क्लास जो है हमारी उसमें हम एक विषय की डिमांड है इसके अंदर जो डिजाइन फीचर के अंदर है वो थी हमारी एम्बॉस। ठीक है, रिब हमने कर ली थी, थ्रेड भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लैटिस कमांड जो है वो हमारी इसमें नहीं चलेगी क्योंकि वो एरर आ रही है, उसमें लाइसेंस एरर है क्योंकि सारी की सारी कमांड्स इसमें नहीं चलती है। जितना आप लाइसेंस परचेज करते हो उतना ही चलती है, तो जो एजुकेशनल लाइसेंस है उसमें ये कमांड आपकी चलेगी नहीं, तो इसीलिए हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो हम डिजाइन फीचर में एक कमांड हमारे पास इम्बॉस की। ठीक है, अब इम्बॉस की कमांड क्या करती है, आप सिलेक्ट करो, इसमें सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है आपको, तो आप सेक्शन का ऑप्शन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आप एक प्लेन बना सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया प्लेन बनाऊंगा जो कि इस स्पेस से थोड़ा सा ऊपर रहे। यहाँ पे हम कैसी भी शेप बनाएंगे वो शेप हमारी इस स्पेस के ऊपर जो है वो इम्बॉस हो जाएगी, या फिर मतलब उसमें आप उस शेप का कट कर सकते हो या उस शेप को इनग्रेव या डिग्रेव कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कैसे होएगा। उसमें सेक्शन आपको बनाना पड़ेगा, सेक्शन के मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे मैं एक सिंपल सा सेक्शन बनाता हूँ, कोई ये सेक्शन मेरा इतनी ऊपर बन रहा है लेकिन आप चाहते हो कौन से फेसेस को इम्बॉस करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो वो इस फेस से वो चीज जो है ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अब इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन होता है ड्राफ्ट का, इसमें आप ड्राफ्ट दे सकते हो, कितना भी डिग्री का ड्राफ्ट जो है वो आपने देना है तो वो आप दे सकते हो। इसमें साथ में ही ड्राफ्ट आ जाएगा और इसमें साथ में ये मर्ज भी हो जाएगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसमें आप किसी भी तरह का सेक्शन बनाओगे वो आपका मर्ज हो जाएगा। जैसे आपने इसमें यूज करना है कोई स्केचिंग सेक्शन यूज करना है तो वो भी आपका इसमें हो सकता है। स्केचिंग सेक्शन का क्या मतलब है कि आपने जैसे टेक्स्ट कोई लिखना है, टेक्स्ट एनग्रेव करना है इसके ऊपर, तो वो भी चीज आपकी यहाँ पे पॉसिबल होती है। ठीक है जी, अब इसमें है ऑप्शन फ्रॉम एंड कैप। ओके, यहाँ पे देखो एंड कैप के अंदर ऑप्शन है। एंड कैप क्या होता है कि कहाँ से आप इसको ड्राफ्ट जो है वो स्टार्ट करना चाहते हो या कहाँ से एम्बॉसिंग जो है वो स्टार्ट करना चाहते हो। तो इसके अंदर आपके पास प्लेन ऑफ सेक्शन है कि जहाँ से आपका प्लेन ऑफ सेक्शन कौन सा था, हमारा ये वाला सेक्शन था, देखो यहाँ पे ऊपर, तो उस प्लेन ऑफ सेक्शन से मैं इसको एम्बॉस करना चाहता हूँ, तो वहां से स्टार्ट हो रहा है वो नीचे की साइड। इसमें ऑप्शन होता है एम्बॉस फेसेस। एम्बॉस फेसेस का क्या मतलब है कि वहां से देखो स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने फेस चूज किया था यहाँ पे एम्बॉस फेसेस में ये वाला फेस किया था, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैंने 8 कर दी या 5 कर दी, इसको आप डायरेक्शन उल्टी करोगे तो वो चीज आपकी क्या आ जाएगी, वहां पे कट जाएगी। ठीक है, तो ये चीज इसमें इस तरह से पॉसिबल है। अब इसके अंदर आप एम्बॉस फेसेस में ऊपर की साइड करोगे तो ऊपर की साइड, उसके बाद आपका आता है डेटम प्लेन। डेटम प्लेन मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर डेटम प्लेन के साथ, वो ये आपका प्लेन है, जैसे यहाँ पे आपका सेक्शन आपने बनाया, ये आपका फेस है, इसके बीच में या इससे कहीं दूर कहीं पे कोई और प्लेन है जहां से आप चाहते हो कि इसकी एम्बॉसिंग स्टार्ट हो, तो वो आप बता सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये वाला, तो अनेबल टू क्रिएट ज्योमेट्री क्योंकि मेरा फेस ही उसके बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए ये यहाँ से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसमें आपके पास ये भी ऑप्शन है कि सिलेक्टेड फेसेस या प्लेन ऑफ इम्बॉस का। अब मैं एक क्या करता हूँ, इसमें एक सेक्शन मेरा बना हुआ है, एक मैं प्लेन्स अलग से बना लू, मैंने ये बना लिया और
केक में फेसेस जो है वो एक्स्ट्रा बना लेता हूँ इसमें। ये सिलेक्ट किया मैंने, न्यू प्लेन नहीं, ऑलरेडी जो प्लेन है उसी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक दूसरी तरह का सरफेस बनाता हूँ स्प्लाइन से। फिनिश। अब इसको कर देंगे एक्सट्रूड। ठीक है, अब ये चीज है मेरे पास। तो इसी को हम इंसर्ट में जाएंगे, जब मैं डिजाइन फीचर में जाऊंगा बॉस कमांड लेंगे, सिलेक्ट कर कौन सी कर्व थी, ये वाली कर्व थी हमारी, चारों कर्व चूज कर लीजिए। उसके बाद फेसेस टू इम्बॉस, ये वाला फेस इम्बॉस करना है मैंने। ठीक है, अभी वो एंड कैप में प्लेन ऑफ सेक्शन है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेटम प्लेन कर, टेटम प्लेन में ये वाला प्लेन चूज करता हूँ। तो देखो वहां तक जाएगा, नीचे से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक जाएगा जिस प्लेन के लिए आप सिलेक्ट कर। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है सिलेक्टेड फेसेस, सिलेक्टेड फेसेस में मैं ये वाला फेस चूज कर लेता हूँ। तो देखो इस तरह से जैसी फेस की शेप होगी उस फेस तक वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये चीज होती है बहुत, मतलब जो भी आप सेक्शन बनाओगे, जिस भी तरह का सेक्शन बनाओगे वो ऊपर जाके उसकी शेप ले। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ये होता है एम्बॉसिंग इसके। इसको मैं क्या करता हूँ, हाइड कर। अब इसके साथ में ही डिजाइन फीचर के अंदर एक और कमांड थी जो कि हमारी कहलाती है होल कमांड। होल कमांड इसलिए यूज होती है जब आपकी किसी प्लेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के होल होने होते हैं, तब हम होल कमांड यूज करते हैं। आप इसको एक्सट्रूड से भी बना सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, या छोटे होल्स बनाने हैं तो उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हर एक सॉफ्टवेयर में एक होल कमांड दी गई होती है। तो होल कमांड के लिए आप क्लिक करोगे। अब होल कमांड में भी आपके पास देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है सबसे पहले कि आपको कहाँ जैसे होल चाहिए। तो अब जैसे मेरे पास ये है, यहाँ पे एक बॉडी है मेरे पास, तो उसके अंदर मुझे होल चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्केच करना पड़ेगा। स्केच के अंदर आप क्या करते हो, मैंने ये बता दिया यहाँ पे, ओके कर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ पॉइंट्स बता, इसके अंदर आपको क्या करना है, पॉइंट्स बताने हैं कि कहाँ कहाँ आपको होल चाहिए। जैसे कि मैंने ये पॉइंट बता दिया, ये पॉइंट बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अब ये इस तरह के पांच मेरे को होल्स चाहिए, उसकी वैल्यूज जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मतलब इसकी वैल्यूज अगर आप चाहते हो कि इसकी पोजिशन जो है वो इधर उधर आपको करनी है, तो आप डायमेंशन के थ्रू चेंज कर सकते हो। डायमेंशन आप यहाँ से दे दो कॉर्नर से, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही मैं फिनिश करूंगा ऑटोमेटिकली कुछ होल्स जो है वहां पे आपको दिखेंगे। तो वो कौन से होल्स हैं, जनरल। ठीक है, अब इसमें जनरल होल्स में भी आपके पास होल की डायरेक्शन है कि नॉर्मल टू फेस जा रहा है। ठीक है, आप किसी अलोंग वेक्टर, यहाँ पे ऑप्शन होता है नॉर्मल टू फेस, मतलब जो फेस है आपका उसके एकदम परपेंडिकुलर जाएगा आपका डायरेक्शन। आप चाहें तो किसी अलोंग एक्सिस भी कर सकते हैं, अलोंग वेक्टर मतलब कि आप यहाँ से, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन होते हैं वेक्टर के, तो इसमें टू पॉइंट का ऑप्शन होता है, तो टू पॉइंट से आप एक एक्सिस बना सकते हो। मैंने एक क्लिक यहाँ किया और एक क्लिक यहाँ कर, तो देखो सारे के सारे होल वैसे ही तिरछे चले जाएंगे। आप पर्टिकुलर अगर आप एक लाइन यहाँ पे लगा दोगे या एक लाइन यहाँ पे नीचे की साइड पर लेके जाओगे किसी एंगल पे है वो, तो एंगल पे भी आपका हो जाएगा। ये आपका इसी वजह से लगेगा, आपका जनरल होल जो है उसके अंदर आप अलोंग वेक्टर अगर यूज करोगे तो किसी भी डायरेक्शन में आप जो है वो तो लगा सकते हो। ओके, अब ये तो होगी डायरेक्शन। उसके बाद आती है फॉर्म्स एंड डायमेंशन। मतलब फॉर्म्स क्या है, सिंपल होल है, सिंपल आपको दिख रहा है, उसका डायमीटर आपको दिख रहा है, उसकी डेप्थ आपको दिख रही है, आपको डेप्थ कहाँ तक चाहिए। देखो सिलेंडर बॉटम, सिलेंडर बॉटम मतलब यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, ये डेप्थ जो है
एक होता है कोन टिप, तो उसमें क्या होगा जो टिप है वहां से लेके आपकी यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपके पास होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ, तो आप कौन सा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चलना चाहते हो आप यहाँ से बता सकते हो। टिप का एंगल आपको बताना है 180 डिग्री, जो भी आपकी ड्रिल आप यूज कर रहे हो उसमें जो जो आपका एंगल है वो आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल तो हो गया, आप यहाँ से आप वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हो, डेप्थ चेंज कर सकते हो, ओके। और ये चीज अब इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है काउंटर बोर्ड। काउंटर बोर्ड कौन से होल होते हैं जिनके अंदर आपका हेड जो होता है वो भी सरफेस के नीचे चला जाता है, उसके लिए भी हेड की जो स्क्रू का हेड होता है या बोल्ट का हेड होता है उस उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे जगह होती है, ठीक है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे क्या होता है, दो तरह की चीजें होती है, एक तो नॉर्मल डायमीटर होता है, मैं नॉर्मल डायमीटर कर देता हूँ 8 mm, और काउंटर बोर का डाया अब ये 8 mm है तो उसके अकॉर्डिंगली काउंटर बोर का डाया जो है मैं 10 mm, और उसकी डेप्थ भी हो कि हेड जो है उसकी डेप्थ कितनी, डेप्थ में कर सकता हूँ 5 mm या 4 mm, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू कर देंगे 20, तो ये इस तरह का होल बनेगा। देखो यहाँ से जैसे मैं रिजल्ट शो करूंगा, दिख रहा होगा कि नीचे उसने वैसी ही शेप जो है वो यहाँ पे दिखाई है, तो इसी तरह से एक और तीसरा ऑप्शन होता है जो कि होता है काउंटर सिंक बोल बोलते हैं, जिसके अंदर आपका जो हेड होता है वो होता है टिप इस तरह का। आपने स्क्रूज भी देखे होंगे जो स्क्रूज होते हैं उसमें हेड होता है वो टिप पर, तो इस पे भी यही चीज करेंगे हम, 8 डायमीटर, ऊपर का डायमीटर 15 और अकॉर्डिंगली काउंटर सिंक का एंगल जो है 90 डिग्री है 45 डिग्री है, वो चीजें आप जो है वो बता सकते हो। तो मैं कर देता हूँ 20, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चीज जो है वो इस तरह का होल, ठीक है। तो ये आपके उसके बाद आता है टेपर्ड होल, जिसके अंदर आपका टेपर एंगल आ जाएगा एक, जो आप टेपर एंगल इसमें देना चाहते हो, जैसे मैंने 2 डिग्री दे दिया तो 2 डिग्री को टेपर एंगल में चलेगा, टेपर्ड होल रहेगा। देखो नीचे की साइड को वो 17 होता जाएगा, डायमीटर उसका डिक्रीज करता जाएगा। तो इस तरह के होल्स जो होंगे तो आप टेपर होल जो है उसमें यूज कर, तो ये जनरल होल्स थे। जनरल होल मतलब होते हैं कस्टमाइज होल, आप इसमें क्या कर सकते हो कि अपनी तरफ से डायमीटर एंगल्स डेप्थ वगैरह जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे होते हैं जो कि होते हैं ड्रिल साइज। अब ड्रिल साइज होल्स जो होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, स्टैंडर्ड होल्स। अब इसमें कोई ना कोई आपके सामने कोई क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। अब स्टैंडर्ड कहाँ पे चलेगा, जो डिपेंड करेंगे आपके ड्रिल के साइजेस पे। अब ड्रिल के साइजेस जो जो अलग अलग ड्रिल के साइजेस अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं, यहाँ पे आप चेक करोगे। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे 4K ड्रिल का होल चाहिए, तो ये 4 mm ड्रिल से जो होल बनेगा वो यहाँ पे आपको आएगा, ठीक है। जो भी आप जितना आगे जाओगे उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब उसके साथ में जो भी साइज आप लोगे उसमें आप साइज फिर डायमीटर में चेंज नहीं कर पाओगे, डायमीटर में वो ड्रिल के साइज पे ही डिपेंड करेगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, एक और होता है फिट, आपने फिट टॉलरेंसेस वगैरह पढ़े होंगे, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंसेस। तो उसके अंदर फिट जो होता है वो यहाँ पे एग्जैक्ट है और एक कस्टम। एग्जैक्ट में क्या होगा कि सेम प्रोसीजर, 4.7 है तो 4.7 का डायमीटर है उसमें चेंज नहीं होगा। अगर आप कस्टम कर देते हो तो फिर आप इसमें 4.7 को चेंज करके 4.8 कर सकते हो, क्योंकि देखो जो जितना डाया की आपकी ड्रिल होगी उससे ज्यादा ही आपका जो है होल बनता है, ठीक है। सेम टू सेम आपका उससे ज्यादा ही आपका होल जो है वो बनेगा।
साजन अपना वीडियो ऑफ कर लो, ठीक है? तो वो होल आपका उसके अकॉर्डिंगली फिट के अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो ये होते हैं आपके कौन से होल्स है, ड्रिल साइज, मतलब ड्रिल के साइज पे ही डिपेंड करेगा, जितनी बड़ी ड्रिल की साइज होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका डायमीटर और ये जो है वो आएगा। वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो डेप्थ वगैरह की, बाकी चीजें आपकी चेंज नहीं होगी, डायमीटर चेंज नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद आते हैं स्क्रू क्लियरेंस होल्स, ये भी आपके स्टैंडर्ड होल्स होते हैं, जैसे आपने मेट्रिक होल्स पढ़े होंगे M10, M12, M13 वगैरह, तो वो वाले होल्स इसमें आते हैं आपके, ठीक है? अब देखो जैसे कि यहाँ पे सिंपल फॉर्म है, काउंटर बोर और काउंटर से तीनों फॉर्म्स हैं, तो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा। स्क्रू टाइप, जनरल स्क्रू क्लियरेंस, स्क्रू का साइज, यहाँ से स्क्रू का साइज मेंशन हो, जैसे कि M10 है, M4 है, M3 है, इसमें मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा छोटा हो, M4 के हिसाब से 4.5 जो है वो डायमीटर आपका आ रहा है। M4 का जो स्क्रू होगा उसको अगर आपको अकोमोडेट करना है नॉर्मल फिट के साथ तो 4.5 डाय का होल बनेगा, इसमें क्लोज फिट के साथ करना है तो 4.3 का बनेगा, तब भी आपको 0.3 जो है वो छोड़ना ही पड़ेगा उसमें। उसके बाद लूज फिट के साथ करेंगे तो 4.8 का बन रहा है, तो इसमें डायमीटर आप चेंज नहीं कर सकते, साइज के हिसाब से आप फिट के अकॉर्डिंगली डायमीटर चेंज हो। इसमें कस्टम का भी ऑप्शन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड होल्स हैं, इसमें आप कस्टम नहीं देते हो, तो आपको क्लोज, नॉर्मल या लूज फिट, ये तीनों में से ही चूज करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपका डायमीटर जो है वो यहाँ पे आएगा। वैल्यूज चेंज कर सकते हो डेप्थ वगैरह की, लेकिन बाकी चीजें आपकी चेंज नहीं, ठीक है? इसी तरह से और भी आपके ऑप्शन है, जैसे कि M10 में जाओगे तो 11 हो गए, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे छोटे होल्स होते हैं, M2 में नॉर्मल फिट कितना है 2.4, जबकि M10 में नॉर्मल फिट कितना है 1 का गैप आ गया, ठीक है? तो ये दोनों चीजें हैं। अब इसके बाद आपका आता है काउंटर बोर, काउंटर बोर में भी फिर आपके सॉकेट हेड्स आ जाएंगे अलग अलग, जैसे सॉकेट हेड है, इस तरह का सॉकेट हेड है जो आपको अभी दिख रहा है, इसके अलावा शोल्डर स्क्रू है, उसके अलावा चीज हेड है, ये अलग अलग टाइप के हैं, पैन हेड हो सकता है और हेक्सागनल हेड हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है ये यहाँ पे आएंगे। अब देखो इसमें भी M5 है, साथ में थ्रेड भी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं, इसके अनुसार आपका ये आएगा। और इसमें देखो आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, काउंटर बोर का डायमीटर अपने आप देगा, ये बोर्ड की डेप्थ भी अपने आप देगा, डायमीटर जो है नॉर्मल वो भी अपने आप देगा। आपने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज बननी है ये वाली, और फिट बताना है इसको, फिट के हिसाब से ये साइजेस जो है वो चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं, लूज कर दोगे उतना, ठीक है? इसको जैसे ही मैं ओके करूंगा, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे भी चैम्फर सा आ रहा है, तो वो वाला स्टैम्फर आप यहाँ से बंद कर सकते हो, इसको बंद कर दो। उसके बाद एक एंडिंग में भी होता है, नेक पे अगर कोई चैम्फर है वो बंद करना है, वो भी बंद हो गए। एंड चैम्फर होता है, उसको भी बंद कर दो। एंड चैम्फर कहाँ पे यूज होगा, जब ये आपका बाहर जा रहा होगा यहाँ से, ठीक है? तो ये आपके स्क्रू क्लियरेंस होल है, इसके साथ में ये ऐसे आपको आए, ठीक है? इसमें क्लियरेंस छोड़नी पड़ती है। उसके बाद हमारा आते हैं थ्रेडेड होल्स। थ्रेडेड होल्स में देखो, थ्रेड होल्स में साइज जो है ऑटोमेटिकली डिफाइन है, M10 into 1.5, M12 into 1.75, हेलो अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, जो भी ये नए जो ऐड हो रहे हैं उनके लिए खास कर। सर ये कोई चल रहा है इसमें, इसका ध्यान नहीं है, फोन में बस चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से होएगा ये। M18 into 2.5 है, तो मतलब 18 का डाया होगा, उसके हिसाब से आपकी जो वैल्यूज हैं वो आएंगी यहाँ पे।
को डेप्थ का भी ऑप्शन है 1.5 इंटू डाया 2.0 इंटू डाया, तो यहाँ से आ जाएगा। टैप ड्रिल साइज जो है वो यहाँ से आपको मिलेगा 15.5। राइट हैंड थ्रेड चाहिए, दूसरे थ्रेड चाहिए वो आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ से वैल्यूज वगैरह आप बता सकते हो कितनी वैल्यूज है, जैसे 36 है, मैं यहाँ पे 15 की वैल्यू का वाला ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ से छोटा होल चूज कर लेते हैं M18, उसके अकॉर्डिंगली डेप्थ आ गई। और 0.57 जो है वो 0.75 जो है वो रेडियो देंगे जाएंगे, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे स्टार्ट और एंड टेम्पर बन कर तो उसके बाद आप सिलेक्ट कर लो, इस तरह का होल आपके सामने बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का होल आपके सामने बन जाएगा और उसमें क्या रहेगा आपका थ्रेड वो दिखाएगा कि इस यहाँ पे थ्रेड। इसके बाद ओके कर दो इसको, तो इस तरह से आपके ये होल के कमांड के अंदर आपके इतने सारे थ्रेड जो हैं वो हम लगा सकते हैं। पूरा तरह मतलब होल की कमांड है जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी होल्स हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका डिजाइन फीचर वाला टैब जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके अंदर हमने सारे ही कर लिए हैं लगभग। ये ऑफसेट एम्बॉस जो है ये सरफेसिंग की कमांड है, जब हम सरफेस करेंगे तब ये करेंगे। उसके बाद हमने एसोसिएटिव कॉपी में भी आपका क्या क्या करा है, पैटर्न फीचर कर ली है, मिरर फीचर कर ली है, उसी तरह से पैटर्न ज्योमेट्री और मिरर ज्योमेट्री जो है वो भी मैंने आपको बताया था कि क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, ठीक है। स्ट्रक्ट ज्योमेट्री एक फीचर है जो कि हम कर सकते हैं, इसमें इसको करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं रहेंगी आपकी जो सरफेसिस में आएंगी। जैसे कि अगर मैं करूँ कंपोजिट कर्व, तो कंपोजिट कर्व हमने की थी, उसमें क्या था सेम वैसी ही चीज है ये सिलेक्ट किया मैंने, ये यहाँ पे आप सिलेक्ट करते जाओ और उसके बाद ओके कर दो, तो इसको अगर मैं हाइड कर दूंगा तो आपको एक कर्व मिल जाएगा। तो ये सेम वही कमांड है एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री के अंदर भी आपको दे रखी है, तो यहाँ तो एक्सट्रैक्ट कंपोजिट कर्व किया, उसी तरह फिर से वही कमांड सेलेक्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री की। उसके अंदर आप पॉइंट्स भी कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट, कोई पहले से पॉइंट आपने ज्योमेट्री में दिया होगा तो उन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह कोई प्लेन है वो सिलेक्ट करना है, आपने नए प्लेन बनाने हैं वो भी हो जाएंगे, जैसे कि ये इस पर आप क्लिक करोगे एक और प्लेन जो है वहाँ पे वो बन जाएगा। ऑलरेडी जो चीजें हैं उनका आप जो है वो प्लेन जो है वो बना सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि डेटम में यहाँ पे इसमें प्लेन ही आएगा, देखो डेटम में ये भी आ रहा है डेटम प्लेन डेटम पॉइंट, पूरा का पूरा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, एक और बन जाएगा। स्केच का ऑप्शन है कि जो भी स्केच है आप चाहते हो एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो वैसा का वैसा या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें स्केच यूज है ये, इसको ओके करोगे एक और स्केच यहाँ पे बन जाएगा, एक तो पहले का बना हुआ था एक और, तो ये एक्सट्रैक्शन की कमांड है। इसके अंदर कुछ और ऑप्शन भी है आपके पास, जैसे कि रीजन ऑफ फेसेस या फेस सिलेक्ट करने हैं आपने, फेस मैं यहाँ पे कर सकता हूँ फेस एंड एडिशनल फेसेस, ये सिलेक्ट किया तो इसके आसपास के जितने भी फेसेस हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए। ओके करता हूँ, अब कहाँ गए वो, उसके लिए मैं क्या करता हूँ इसको एक्सट्रूड को, जो मेरा एक्सट्रूड था इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। जितने फेसेस हमने सिलेक्ट किए थे वो सारे के सारे सिर्फ फेस फेस बाहर निकल, आप इनको यूज कर सकते हो, कुछ और चीज बनानी है इसी में कुछ चेंजेस करने हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हो फेसेस को।
उसके बाद आपके पास फिर से आएगा रिपीट कमांड में, एक्सट्रैक्ट में। सिंगल सिंगल फेसेस भी है या पूरे के पूरे बॉडी फेसेस उठाने हैं वो भी हो जाएगा। फेस की चेन उठानी है वो आ जाएगी। मतलब ये फेस सिलेक्ट करने के ही अलग अलग तरीके हैं कि आपने एक फेस सिलेक्ट किया, उसके साथ में जुड़ा हुआ दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, तो तीन ही करने हैं पूरा का पूरा, ये साथ में नहीं करने हैं, तब आप इसको यूज करो। ठीक है, अब इसमें भी एक रीजन ऑफ फेसेस आता है, तो इसमें क्या करता हूँ, स्क्रूट को निकाल लेता हूँ फिर से और इनको हटा देता हूँ। अब रीजन ऑफ फेसेस का क्या मतलब है कि आप एक स्टार्टिंग और एंडिंग फेस बताओ, उसके अकॉर्डिंगली आपकी चीज जो है वो एक्सट्रैक्ट होगी। जैसे आपने स्टार्टिंग पॉइंट ये बता दिया, बाउंड्री फेसेस ये बता दिया, अब इसके बीच वाली जो चीज है वो ऑटोमेटिकली जो है वो, अब इसमें प्रीव्यू करेंगे हम, ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक्सट्रैक्ट होगा। यहां से मैं हाइड करता हूँ, ये सरफेस निकालने के लिए। ठीक है, आपकी जो है इसमें एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री में ये वाली कमांड्स आती हैं आपकी ऑलरेडी आपके पास होती हैं कमांड, वो नहीं को सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे आपका जो डिजाइनिंग पोर्शन है वो हम खत्म करेंगे, उसके बाद आपका जो आएगा मॉडलिंग पोर्शन खत्म किया है, उसके बाद आप कल से हम क्या करेंगे, सरफेसिंग पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो सरफेस पोर्शन जो है वो स्टार्ट होगा कल। ठीक है, तो सरफेसिंग सरफेस मॉडलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर असेंबली मॉडलिंग में जाएंगे, उसके बाद ड्राफ्टिंग में जाएंगे, उसके बाद कैम में जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपके कैड के, अभी हमने जो मॉडलिंग वाला ऑप्शन है वो मैक्सिमम हमने कर लिए हैं। ठीक है,